हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इतनी वैल्यूएबल वीडियो है कि यहाँ पर आपका पैसा लगभग लगभग 3 गुना तक इस पॉइंट से होता हुआ नजर आता है। ओके, कैसे होता हुआ नजर आता है वो कैलकुलेशन वो सब बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक डेफिनेटली बने रहिएगा। तो हम जिस पर्टिकुलर स्टॉक से रेटी बात करने वाले हैं, इसका नाम है डी डे प्लास्टिक इंडस्ट्री लिमिटेड। ओके, लगभग 6% 7% ये शेयर ऊपर चल रहा है। यहाँ पर चार्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या ये पहली बार ये स्टॉक्स बता रहा हूँ? तो इसका आंसर है नो। ओके, इससे पहले भी ये स्टॉक्स मैंने जब ये डीलिस्टिंग के बाद लिस्ट होता हुआ नजर आया था, ओके, वो मैंने आपको बताया था, 4 वीक पहले ही बताया था। कब क्या बताया था कि 44 रुपीज पे ये स्टॉक्स आपको बताया था, और अभी अगर हम देखें तो 56 पे चल रहा है। ओके, और यहाँ पर ये स्टॉक्स था उस टाइम, तो अगर आप देखेंगे लगभग 30% के रिटर्न ओके आपके आज की डेट में भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी कितने दिन के अंदर अंदर, वो भी 4 वीक्स के अंदर अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपके 30% के रिटर्न आ गए हैं। तो अब क्या आगे की कथा क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये शेयर ओके यहाँ से भी लगभग लगभग मोर देन 2 टाइम्स ओके और लगभग लगभग 3 टाइम्स के आसपास होता हुआ नजर आ सकता है, और आपको एक बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा क्या है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके के बेहतरीन स्टॉक्स आपको मिलते रहे, जो कि हम बार बार बताते रहते हैं, एक से एक मल्टीबैगर स्टॉक्स आपके लिए लाते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम आपको ऊपर के लेवल पे बताते हैं, नीचे के लेवल पे बताते हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं डी डे। एज वेल एज बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को हिट नहीं कर रखा, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं मिल पाती, जाके देखिए। बाकी 7 रुपए और 65 रुपए का कौन सा स्टॉक्स है, इसे भी जाके एक बार देख सकते हैं। चार्ट डालता रहता हूँ ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, नीचे लिंक है, आप चाहे तो हमारा नंबर भी नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आइए डीडीएफ से रिलेटेड जानकारी लेते हैं। डीडीएफ करता क्या है? तो जब मैंने ये वीडियोज बनाई थी लास्ट टाइम 4 वीक्स पहले, तो मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी कि एक्चुअली डीडीएफ करता क्या है। बट स्टिल एक बार हम यहाँ पर जाते हैं और एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली डीडेव करता क्या है, ताकि हमें एक आइडिया आ सके कि डीडेव का जो बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस मॉडल है क्या। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी ने फर्स्ट टाइम ओके ये अभी लिस्ट होती हुई नजर आई है, फर्स्ट टाइम अपना 24 पैसे का डिविडेंड देती हुई नजर आई है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें, फिक्स कर दिए 27, यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड डेट है 22nd September, मतलब एक दिन पहले एक्स डेट होगी 21st, और एक्स डेट से पहले आपको यहाँ पर शेयर लेना होगा अगर आप यहाँ पर डिविडेंड का फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये पूरा क्राइटेरिया होता है इस तरीके के कॉर्पोरेट एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। दूसरी बात, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड, तो कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। हम ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगी BSE की साइट पे। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की रेंज की बात करें तो अलग अलग प्रोडक्ट जैसे कि PE कंपाउंड्स, PVC कंपाउंड्स, फील्ड कंपाउंड, मास्टर बैच, फुटवेयर कंपाउंड्स, पाइप कंपाउंड्स, इंजीनियरिंग प्लास्टिक से रिलेटेड कंपनीज को ओके ये क्या करता हुआ नजर आता है, कैटर करता हुआ नजर आता है। और कंपनी के जो चेयरमैन है ओके उनका भी यहाँ पर आप चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से डीमर्जर हुई, किससे, के कल्पना से। बहुत टाइम पहले यहाँ पर के कल्पना की वीडियो बनाई थी। इसके बाद बता रहे कि डीडीएफ जो प्लास्टिक कंपनीज है ये एक लीडिंग कंपनी है। ओके, और अगर इसकी बात करें तो कंपनी अच्छा खासा आने वाले टाइम में यहाँ पर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी। आई वुड लाइक टू थैंक आवर शेयर होल्डर फॉर दिस कॉन्फिडेंस ओके कि इन्होंने इस तरह वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर बता रखा है कि सच अ स्ट्रेंथनिंग बिजनेस ऑपरेशन, एक्सपेंडिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इंक्रीज कस्टमर बेस। तो यहाँ पर कंपनी को बड़ा करने का प्लान है, एज वेल एज जो इनके कस्टमर्स है ओके यहाँ पर जो मैंने अभी दिखाया था आप उसमें थंबनेल में भी दे रखा, जितने भी बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, मैं अभी यही दिखाऊंगा, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में लिस्ट है ऑर्गेनाइज इनऑर्गेनाइज तरीके से, वो सब इनके क्या है कस्टमर है। तो जब यहाँ पर एस और व्यापार केवल इंडिया में नहीं है, आउटसाइड इंडिया मतलब एक्सपोर्ट करती हुई भी नजर आती है कंपनी, तो आप इस कंपनी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। आज एज वेल एज जैसे कि मैं बात कर रहा था, ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लास्टिक कंपाउंड फॉर व्हाइट गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से रिलेटेड कंपनीज में
को यहाँ पर कैटर करती हुई नजर आती है। बिजनेस परफॉर्मेंस से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट दे रखा है, उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर आएंगे, वो भी सारी बातें हम मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ इस पर्टिकुलर कंपनी नजर आएंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो में नजर आऊंगा। एज वेल एज यहाँ पर देखेंगे आप इस पर्टिकुलर कंपनी में, तो देखिए यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी। कंपनी यहाँ पर सोलर पैनल को यहाँ पर अपने हब में लगाती हुई नजर आ रही है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यहाँ पर कार्बन एमिशन कम होगा। पहली बात, कंपनी को क्या फायदा होगा? कंपनी को ये फायदा होगा यहाँ पर से जो यहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया जाएगा वो कंपनी की को ही यूज किया जाएगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, और इससे कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर कम होते हुए नजर आएगा, यहाँ पर ये फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा ये पूरा दिखा रखा है कि 1981 में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी उसके बाद कहाँ कहाँ पर ये सेटअप होती हुई नजर आई और यहाँ पर अभी लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी है, वो सब चीज दे रखा है। प्लांट की बात करें, राजस्थान, गुजरात एज वेल एज वेस्ट बंगाल में इनके प्लांट्स हैं। कंपनी की बात करें, कंपनी यहाँ पर बड़े बड़े जो IITs है जैसे कि खड़गपुर और मुंबई, उधर से यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी को लीड करके रखती है हमेशा। एज वेल एज इनके पास जो मशीनरी है और इक्विपमेंट्स है वो जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली एंड ताइवान और दूसरी कंट्रीज से आते रहते हैं, ये पॉजिटिव बात है, ऑब्वियस सी बात है। वर्ल्ड क्लास R&D इनके पास रिसर्च है और कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखेंगे कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड, तो कंपनी का बिजनेस इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये आगे चल के, जैसे कि इंडिया ऑब्वियस सी बात है $5 trillion की इकोनॉमी बनने वाली है, तो ये छोटी छोटी कंपनीज है साथ साथ धीरे धीरे उनके साथ में बढ़ेगी, और ऑब्वियस सी बात है लगभग लगभग 2 times ही इकोनॉमी होने वाली है 2025 में, तो ये एक विजन मोदी सर ने ले रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो छोटी छोटी इस कंपनी है जो कि हम देख सकते हैं कि डीडेव लगभग 533 करोड़ रुपए की माइक्रो कैप कंपनी है, तो अगर इसे स्मॉल कैप भी आ जाती है तो ऑब्वियसली बात है स्मॉल कैप भी बनती है तो अच्छा खासा यहाँ पर पैसा ये पर्टिकुलर कंपनी बनाती हुई नजर आएगी। तो लगभग 144 pages का ये पूरा PDF है, इसे पूरा बताने में पूरा टाइम निकल जाएगा, बट जो जो मैंने यहाँ पर पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं आपको एक पूरा का पूरा ब्रीफ ओके देता हुआ नजर आऊंगा। तो ये प्लास्टिक के इंडस्ट्रीज में भी कैटर करती हुई नजर आती है और इसने बता रखा है कि किस तरीके से प्लास्टिक इंडस्ट्री है 2025 में कुछ $1 billion से यहाँ पर बढ़ने वाली है और इसका फायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पर्टिकुलर कंपनीज को भी होता हुआ नजर आएगा। तो ये पर्टिकुलर कंपनी की तरफ आपको यहाँ क्या करना है, इस पर्टिकुलर कंपनी की तरफ आपको ध्यान देना है जिस तरी और यहाँ पर बता रखा है कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पर काम करती हुई नजर आएगी, वो सारी की सारी व्यूज यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर मेंशन करके रख रखा है, तो एक बार आप चाहे तो जाके यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर PDF को, आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आएगा। एज वेल एज यहाँ पर बात करेंगे रेटिंग की, तो कंपनी के जो क्रिसिल ने A+, A2+ की यहाँ पर शॉर्ट टर्म में रेटिंग दी है, लॉन्ग टर्म की बात करें तो A- स्टेबल की यहाँ पर रेटिंग देती हुई नजर आई है, तो एक पॉजिटिव बात है ये ए रेटिंग में आना, एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनीज के लिए। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा PDF है, आप चाहे तो यहाँ पर एक बार पढ़ सकते हैं ताकि आपको एक पूरा का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में पता चलता हुआ नजर आए। तो यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कंपनी करती क्या है, डीमर्जर हुआ था एज वेल एज कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे हम ईयरली बेसिस पे बात करेंगे क्वार्टरली बेसिस पे नंबर में थोड़ी सी यहाँ पर कमी आई है, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो रेवेन्यू 6.2% से यहाँ बढ़ा है, प्रॉफिट की बात करें 21% से बढ़ा, नेट प्रॉफिट 34% से, एबिटा 23% से बढ़ता हुआ नजर आया है। और याद रखिए हम हमेशा ईयरली बेसिस पे ही किसी भी चीज को काउंट करते हुए दिखाई देते हैं, यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रखी है कि परफॉर्मेंस किस तरीके से कंपनी की लगातार बढ़ी है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई है। जियोग्राफिकली कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है वो सब चीज भी यहाँ पर आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट की बात करें 32% का एक्सपोर्ट होता हुआ दिखाई दिया है, डोमेस्टिक 68% की यहाँ पर सेल्स होती है, रेवेन्यू आता हुआ दिखाई दिया है। प्रोडक्ट रेंज में यहाँ पर दे रखा है कि किस कौन कौन से प्रोडक्ट ज्यादा सेल होते हुए नजर आते हैं, लगभग पॉलीथीन यहाँ पर 71% से रेवेन्यू आता है, एज वेल एज पॉली विनाइल से यहाँ पर 10% और अदर से 19% का यहाँ पर इनको बिजनेस आता हुआ दिखाई देता है। और हमने क्वार्टरली बेसिस पे बात कर ली है कि किस तरीके से कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट की कंपनी यहाँ पर किस किस कंपनी के साथ टाई अप्स है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी यहाँ पर डाइवर्सिटी
डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, जैसे कि जो कंपनीज केबल के बिजनेस में, फुटवेयर, पाइप, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज को, मतलब ये सारी की सारी मोस्टली देखिए पैकेजिंग इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर रही है। आपने स्टॉक्स भी देखे होंगे पैकेजिंग कंपनी के, तीन तीन चार चार पांच पांच गुना होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर कंपनी को कैटर कौन कर रहा है, यही डीडेफ करती हुई नजर आ रही है। एज वेल एज पाइप कंपनी ने किस तरीके से पहले परफॉर्म दिया और आगे भी देती हुई नजर आएगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इस पर्टिकुलर कंपनी का योगदान रहेगा पाइप का। पैकेजिंग, जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है एज वेल एज भारत का कंजप्शन बढ़ रहा है, जनसंख्या है वर्ल्ड वाइड, ये कंपनी कैटर करती है। तो पैकेजिंग की भी याद रखिए, आप चाहे छोटा सा पैकेट कुछ मार्केट से लेके आए, पैकेजिंग में ही आता है। फुटवेयर कंपनी, ऑब्वियसली बात है भारत की जनसंख्या और वर्ल्ड वाइड क्या जनसंख्या है वो भी आप देख सकते हैं, सबको यहाँ पर फुटवेयर की जरूरत है। और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, भारत की बात कर लेता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है हर एक घर में, हर एक कमर्शियल बिल्डिंग्स में केबल्स लगनी है, वायर लगनी है। तो ये पर्टिकुलर कंपनी हर एक बड़ी बड़ी कंपनी जैसे KEC, KEI, एंकर, यूनिवर्सल केबल, टोरेंट फार्मा, ओके, और यहाँ पर हैवेल्स, यहाँ पर जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, स्टरलाइट पावर, सबको अपार, सबको क्या करती हुई नजर आती है, कैटर करती हुई नजर आती है उस पूरे पैन इंडिया में, फिनोलेक्स केबल लिमिटेड। तो ये तो डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये तो आपको, मुझे तो कुछ कंपनीज के नाम पता है बट कुछ के नहीं पता, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी कंपनीज है अराउंड द वर्ल्ड, उन्हें कैटर करती हुई नजर आती है। और किस तरीके से लार्जेस्ट कंपाउंडिंग कैपेसिटी इन वायर कैपेबल इन इंडिया विद अ डाइवर्स रेंज ऑफ पीई पीवीसी, तो यहाँ पर लार्जेस्ट कंपाउंड कैपेसिटी है वायर और उन केबल्स के मामले में। तो याद रखिए कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई आगे भी नजर आएगी, और कंपनी का यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट लगभग डबल होता हुआ नजर आ रहा है ईयरली बेसिस पे। तो कंपनी अच्छी खासी है, कंपनी का विजन अच्छा खासा है, कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, अच्छा खासे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं बड़ी बड़ी लोग चीजों से। अब बात करते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल्स की। तो जैसे कि हमने बात की रही है क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा डल, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है और इसका परफॉर्मेंस और ज्यादा बेहतरीन आने वाला है, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्टॉक का पी 9 का है, इंडस्ट्री का पी 27 का है। अगर 9 से 27 हो जाता है तो याद रखिए क्या होता है, ईपीएस मल्टीप्लाई, अगर आपको शेयर प्राइस निकालना है तो अगर अभी जो ईपीएस चल रहा है, ओके, आपने, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसमें पता चलेगा ₹5 के आसपास का यहाँ पर ईपीएस कंपनी का चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ईपीएस का मतलब क्या, अगर शेयर प्राइस निकालना है तो अगर ये 27 के पी मल्टीपल पे होता है तो पी पे चले जाता है 27 × 5, आप कर लीजिएगा, लगभग 135 से ₹140 के आसपास का यहाँ पर भाव आता हुआ दिखाई देता है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी इस भाव पे भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। फेस वैल्यू 1 की है, डिविडेंड कंपनी ने फर्स्ट टाइम दिया है, ज्यादा डिटेल्स यहाँ पर और है नहीं ताकि हमें और भी कुछ पता चले। न्यू आई है कंपनी, ओके, बट जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि न्यू कंपनी जब आती है तो अच्छा खासा यहाँ पर भागती हुई दिखाई देती है, तो उस टाइम यहाँ पर आप चाहे तो उस टाइम उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस डल होता हुआ नजर आया है, ओके, बट ईयरली बेसिस पर देखेंगे कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो फ्लैट दिखाई देता हुआ नजर आया है। ईयरली बेसिस पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की यहाँ पर मार्केट कैप है 533 करोड़, बट यहाँ पर ईयरली बेसिस पे कंपनी कितना रिवेन्यू कर रही है, 2227 करोड़ रुपए का, तो ये मानने वाली बात है, 4 गुना यहाँ पर कंपनी की सेल्स ईयरली बेसिस पे, और 55 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगली बार का प्रॉफिट भी लगभग लगभग 1416 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। तो जब यहाँ पर 1416 करोड़ रुपए आएगा तो ऑब्वियसली बात है ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे कंपनी का नंबर अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, ओके। एज वेल एज कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 75 दे रखा है, पब्लिक की बात करें 25 दे रखा है, बट यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर 75 तो प्रमोटर्स हो गए, बट 25% में यहाँ पर दे नहीं रखा है, वो बहुत जल्दी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 25% में आपको यहाँ पर आप देखेंगे एलमेंट पॉलीमर ने लगभग 8% की हिस्सेदारी यहाँ पर ले रखी है, ओके, और यहाँ पर बात करें 1% की हिस्सेदारी ये है, 4% की हिस्सेदारी ये है, और कुछ लोगों ने और हिस्सेदारी ले रखी है, ओके। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो कुछ कितने परसेंट की हिस्सेदारी, केवल और केवल 5% की हिस्सेदारी, लगभग 55 लाख शेयर ही मार्केट में यहाँ पर फ्लोट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोई भी 55 लाख शेयर का मतलब है थोड़ी सी क्वांटिटी, ओके, और यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेटर आके इस पर्टिकुलर शेयर को क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि इतनी जब कम क्वांटिटी होती हुई दिखाई देती है ना, कोई भी ऑपरेट कर देता है। देखिए कितना, लगभग 66,000 शेयर के आसपास यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये शेयर इसी तरीके से
कोई भी ऑपरेटर आएगा, एक्टिव करेगा और अच्छा खासा पैसा बना के यहाँ पर चला जाएगा। और जैसे ही ऑपरेटर आया, तो जो 135 और 140 रुपए का भाव मैं कह रहा हूँ, तो एक महीने के अंदर अंदर भी आ सकता है। बट अगर कंपनी सिस्टमेटिक वे में चली, तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी को यहाँ से डबल होने में 6 से 1 साल के अंदर अंदर ही कंपनी पे यहाँ से डबल होती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं चार्ट की। चार्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बार बार ये जो लेवल्स थे आपको बता रखे हैं। आज लगभग 8% शेयर यहाँ पर ऊपर है। और क्या है यहाँ पर देखिए, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है इसके लिए। ये जो पर्टिकुलर लेवल है 58 रुपए का, 58 रुपए को जो कि 5 पैसे दूर है, यहाँ पर 5 पैसे ऊपर गया ये शेयर, तो और तेजी यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर क्या हो सकता है, अब हो सकता है देखिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, और यहाँ पर से अभी भी लगभग 15 मिनट बचे हुए हैं, तो यहाँ पर कल की डेट में अगर ऊपर चले जाता है तो याद रखिए एक ब्रेकआउट होगा और ये सपोर्ट बन जाएगा। अगर सपोर्ट नहीं टूटेगा तो अच्छा है, और अगर यहाँ पर उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है। बट यहाँ से अगर कल की डेट में नीचे गिरता है तो यहाँ पर याद रखिए ये कुछ सपोर्ट बनते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले सपोर्ट इसका लो, लगभग 54 रुपए का एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा, और अगेन ये सपोर्ट। और जब यहाँ पर अगर चीजें आ जाए तो याद रखिए एक्युमुलेशन करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर चीजें आएंगी तो माल उठाने के लिए आएंगी, और यहाँ से फिर जब चीजें भागेगी तो यहाँ पर एक चार्ट बनता हुआ दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं कप और जो हैंडल, कप विद हैंडल पैटर्न। और इसके हिसाब से जो टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, वो टारगेट क्या आते हुए दिखाई देंगे, वो टारगेट आते हुए दिखाई देंगे ये यहाँ पर देखिए, लगभग ये शेयर यहाँ पर आपको 27% के अपसाइड, यहाँ से 74 का फिर टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि मुझे लगता है कि रिजल्ट आने से पहले या तो अचीव हो जाएगा, ओके, या फिर रिजल्ट के जस्ट बाद अचीव होता हुआ दिखाई देगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। ओके, मेरे पास ये शेयर बिल्कुल भी नहीं है अभी, बट आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। ओके, कंपनी यहाँ पर काफी अच्छी है। ये अगर लेवल निकलते हैं, मेरे टेक्निकल के बेसिस पे आता है, चीजें गिरती हुई नजर आती है, एक दो दिन में यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी, तो एक्युमुलेशन करने की मैं कोशिश करूंगा, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक तेजी होती हुई दिखाई देगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और देखिए यहाँ पर कंपनी ने 58 रुपए का जो लेवल था वो अब यहाँ पर क्रॉस कर दिया है, तो यहाँ पर कल की डेट में देखिएगा, शायद यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप आ सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर प्रेस।